Hi students, how are you? Let me first introduce myself. I am Devinder Singh Rana, and you can say Devin also. Let's begin with small things about the how to learn. What are the main things? ये आने वाले समय में जो ये आप एक ग्राफिक जो वर्ड है वो इतना पावरफुल हो गया है कि जब तक कि आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बहुत पिछड़ जाते हैं. तो इसके लिए आपको साथ साथ जो जो मैं आपको बताऊंगा आपको उसी हिसाब से यू हैव टू डू ऑल द प्रैक्टिस इन ऑल बिकॉज इन वन टाइम टू कम देन यू विल बी एबल टू स्टैंड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु आर वेल नोन अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड ऑल. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि फोटोशॉप के टूल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर प्रोग्राम में टूल्स बहुत ज़रूरी है. इवन अगर आप हाथ से भी कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए वो पेपर लाना, वो पेंसिल लाना, वो सब इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी है. तो इट्स द सेम थिंग. यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट योर सेल्फ वॉट यू आर जस्ट गोइंग टू मेक इन वॉट प्रोग्राम यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़. सो दिस इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड अ फोटोशॉप. और इसके साथ साथ फोटोशॉप के साथ साथ वैसे तो कई चीज़ें हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप का मेन मकसद यही है कि आप आने वाले समय पे अपने आप को, अपने लेक्चर्स को, अपनी स्टडी को किस तरीके से ढाल रहे हैं. तो मेरा नाम तो आप जान गए हैं और मैंने जो काम किया है उसको आप सिर्फ देखेंगे तभी शायद बना पाएंगे. अब सबसे पहले मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने ही की हैं और फ़ोटोशॉप में ही की हैं, और वही फ़ोटोशॉप में आपको सिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी वही कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद माई ऑल स्मॉल वर्क. सो दिस इज आई हैव जस्ट ओपन वन विंडो वेयर यू विल सी देविन इज रिटन एंड इट इज रिटन विद अ प्रिसाइज यूज ऑफ ऑल माई सॉफ्टवेयर. जो मैं आपको इस बारे में बताऊँगा, इन सॉफ्टवेयर, इन टूल्स के बारे में बताऊँगा, जिन टूल्स ने इनको बनाने में मेरी 100% मेहनत, मेरी सहायता किया है. क्योंकि अगर ये टूल्स ना होते तो शायद मैं, अगर मुझे हाथ से बनाना पड़ता तो कई महीने लग जाते हैं. लेकिन ये जो मैंने बनाया है ये सिर्फ मैंने एक घंटे में बनाया है. तो आप इमेजिन कीजिए, जो एक महीने का काम है, 15 दिन का काम है, और उस 15 दिन में हो सकता है मैंने बीच में कई दफ़ा छोड़ा भी हो कि यार नहीं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है, लेट्स नॉट डू इट राइट नाउ, मे बी आई स्टार्ट सम टाइम लेटर. बट वेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर यू विल नेवर गेट अप अनलेस यू finish that work. So that's the only reason I'm just trying to make you understand what excitement you will have once you learn completely the Photoshop. Baki learning process is never ends. You see, I'm still learning. You see, I have experience of 20 years ever since this Photoshop started. You know, जब Photoshop नहीं था तो उस time एक pixel paint होता था जहाँ आप सिर्फ dot से बनाते थे चीज़ को. मेरे दिमाग में एक आया कि मुझे एक A बनाना है, तो मेरे पास और क्या था. अब मैं वो पेंसिल से वो डॉट बना बना के मैंने कंप्लीट ए किया. अब उस वर्ड्स और इस वर्ड में इतना फ़र्क हो गया है कि अब मुझे वो डॉट यूज़ नहीं करने पड़ता, मैं डायरेक्टली ए करता हूँ तो ए छप जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years अगो व्हेन द पीपल वर नॉट नोन अबाउट द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. तो इंडिया में मेरे को लोग बोलते थे, सर कंप्यूटर क्या होता है. यू नो, जस्ट इन 10 years द होल सिनेरियो इज चेंज. अभी सब लोगों को पता लगा आपका एजुकेशन कितना, पहले भी बीटेक होता था और अभी भी बीटेक है. तो अभी के बीटेक में उस बीटेक में कितना फ़र्क है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर एज. तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर एज में द होल थिंक प्रोसेस इज टोटली चेंज. आपने जो सोचना है वो आप बना रहे हैं, और आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं यार ये कहाँ से लाऊं, इस फ़ोटो को मैंने इस्तेमाल करना है, इस फ़ोटो को मैं कैसे डालूं या इसको काट के चिपकाऊं. लेकिन अब वो सीन नहीं है. आपने इस फ़ोटो ग्रैब की है, आपने एक अपना आर्ट वर्क बनाया है विद द हेल्प ऑफ द टूल्स. तो आप मेरे देखिए, ये जो मैंने लिखा है देविन, ये मुझे सिर्फ, आप मानेंगे नहीं, 4 या 5 दिन से भी पहले घटे में मैंने बनाया. इसमें एक एक वर्ड जो है वो बनाया गया है, उसके जो डायमेंशन है वो बनाए गए हैं. मैंने कोई पेपर और पेंसिल से कहीं इस्तेमाल नहीं किया. दिस इज ऑल विद द टूल्स, विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट टूल्स इन अ फोटोशॉप. अब दूसरे तरीके से मैं आपको अगर बताऊँ कि एक डांसर को मैंने कैसे यूज़ किया, मैं अभी आपको बताता हूँ. आपको मैंने उसी डांसर की फ़ोटो लेके और फिर मैंने उसको डिफरेंट तरीके से उसके पर्सपेक्टिव को चेंज किया. अब आप ये देख लीजिए कि मेरे पास एक ये हमारे हॉकी टीम, जब
अदलन शाह खेलने गई तो मुझे कहा गया कि आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारे मैगज़ीन बड़ी जल्दी बिके और हमारी नंबर ऑफ मैगज़ीन बिके। तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला और मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी मिली जो मैंने चूज़ करके, जो मैंने सोचा था कि मैंने इस फ़ोटोग्राफ को लेकर मैं उसको कैसे मैनिपुलेट करूँ, मैं उसको कैसे अच्छा बनाऊँ। तो मैंने एक फ़ोटोग्राफ ली और उस फ़ोटोग्राफ को मैंने अपने तरीके से सारा फ़ोटोशॉप में किया और उसकी मैनिपुलेशन से ये हुआ कि वो मेरी फ़ोटो सेलेक्ट हुई और वो मैगज़ीन में छपी है। ये आज से मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि इंडिया 5 टाइम कंटिन्यूसली आपका हॉकी चैम्पियन हुआ अजलन शाह में। अब उसके बाद ये जो मैंने कवर बनाया है, इस कवर में और कुछ नहीं है, इसमें सारा इफेक्ट्स है एंड ऑल दोज इफेक्ट्स हैव बीन टेकन विद द हेल्प ऑफ अ फोटोशॉप टूल्स। एंड नाउ यूल फील वेरी स्ट्रेंज दैट हाउ इट इज़ हैपन, बिकॉज इट विल ओनली हैपन विद यू व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग स्टेप्स टू स्टेप। अब एक दिन में आप ये सारा नहीं जान सकते, लेकिन आपके दिमाग में एक बैठ जाएगा कि सर ने ये जो बनाया था तो मैं क्यों नहीं बना सकता। बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन आप एक एक टूल के बारे में जानिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ इस बारे में सोचिए कि जो सर ने बनाया था मैं इसको बनाऊंगा। तो एक स्टेज आएगी जब आप सेटिस्फाई होंगे, आप जब सेटिस्फाई होंगे तो आप समझो कि आप किसी हद तक वो फ़ोटोशॉप को अच्छी तरह से सीख रहे हैं। अब उसके बाद शुरू होता है मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है फ़ोटोशॉप बताने की, और जो वो मैं आने वाले टाइम पे, आप एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद कहेंगे कि नहीं मुझे, हमें सब कुछ, हम कुछ जान रहे हैं इस फ़ोटोशॉप के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद अ स्मॉल दिस थिंग दैट आई हैव अ टूल। आप जब खोलते हैं कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, चाहे आप पेज मेकर खोलिए, देखिए अब इसमें भी कई प्रोग्राम हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक पेज मेकर है आपका, जहाँ आप पेज बनाते हैं, जहाँ सिर्फ आप टेक्स्ट खेलते हैं। ये फ़ोटोशॉप है जहाँ आप फ़ोटो को एडिट करते हैं, उस फ़ोटो को आप कैसे लगाते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा मेरी इस हॉकी मैगज़ीन में ये फ़ोटो लगाई है, लेकिन इसमें जो वेव्स बनाए हैं, जो इफेक्ट डाला है, वो सारे टूल्स से डाले हैं। तो ये टूल्स कहाँ से हैं, ये सब फ़ोटोशॉप से ही हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको टाइम पे हर वक्त इस चीज़ से आपको ये अवगत कराऊंगा कि ये चीज़ें जो हैं ये आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो एक ताजमहल की फ़ोटो बनी हुई है, और उस फ़ोटो में आप देखेंगे कि मैंने बहुत कुछ जो है वो सारा कुछ तो मैंने फ़ोटोशॉप के टूल से किया है, सिर्फ उसमें मैंने काम किया क्या कि ताजमहल की फ़ोटो को लेकर मैंने उसको उसमें कोशिश किया कि मैं उसको किस तरीके से और ज़्यादा उजागर करूँ। तो ये आप देखिए, अब मेरे सामने आप एक मिल लीजिए, ये एक डांस वाला मेरे सामने आया। अब ये डांस की मैं अभी थोड़ी देर बात कर रहा था, इसमें दो फोटोग्राफ आप देखेंगे जो मैंने ली हैं। एक तो आपका वो कथक डांसर जो मैंने एक हेड दिखाया है, और उस हेड के बाद फिर एक जो लेडी डांसर डांस कर रही है उसका मैंने पोज बनाया। अब उसके अलावा जो मैंने ये सर्कल बैकग्राउंड में डाले हैं, जो मैंने जो एक स्ट्रीक्स जो निकली हैं, जो ब्रश के जो स्प्लैश आया है, वो सारे मैंने इन्हीं टूल से किया है। इन्हीं टूल से आपको ब्रश स्प्लैश मिलेगा, इन्हीं टूल से आपको वेवी लेंथ्स मिलेंगी, इन्हीं टूल से आपको वो सर्कल्स मिलेंगे जो मैंने एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज किए हैं।